धनबाद में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। धनबाद के SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यह सुविधा लेकर आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश प्रसाद सिंह एवं CEO डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल अनुभवी चिकित्सकों एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। गरीब और अमीर दोनों ही वर्ग को यहां अच्छी व्यवस्था के बीच समुचित इलाज मुहैया कराना ही इस हॉस्पिटल का मकसद है। हॉस्पिटल के सभी बेड को इस रूप में तैयार किया गया है कि उसे ज़रूरत पड़ने पर ICU में परिवर्तित किया जा सके। हॉस्पिटल में 4 बेड लिफ्ट भी है, जिसकी मदद से मरीज बेड के साथ ही ICU, NICU जैसे विभागों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। MRI की लेटेस्ट मशीन भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि किसी भी परिस्थिति में एक बेहतर इमेज लेने की क्षमता रखती है। साथ ही दुनिया भर से अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अत्याधुनिक लेटेस्ट मशीनें मंगाई गई है। यहाँ डॉक्टरों का पैनल भी इमरजेंसी एवं एंड ट्रामा क्रिटिकल केयर आदि के लिए अलग अलग डॉक्टरों की टीम है। मेरा नाम गणेश प्रसाद सिंह है और धनबाद में रहने के दौरान हमारे माता पिता, हमारे बच्चे ये कौन सी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने ध्यान में रख के और हमने कोशिश किया कि एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण हो जिसमें गरीब से लेके अमीर तक सबके लिए सुविधा और मौका उपलब्ध हो और उनके पहुंच के अंदर उसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैंने अलग से जो ध्यान रखा वो ये है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लाइफ सेविंग सेंटर क्रिएट किया जाए। हम लोग बार बार ये आपको कह रहे हैं कि एक लाइफ सेविंग सेंटर, जिसका टेक्निकल नाम ट्रामा सेंटर है, वो ट्रामा सेंटर के रूप में ही हॉस्पिटल को लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गरीब के लिए 35 रुपया से भोजन एयर कंडीशन कैंटीन में स्टार्ट होता है और 200 रुपये में गरीब और अमीर के रहने की व्यवस्था है। अमीर लोग चाहें तो किसी बड़े होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल खुलने के साथ सबसे पहले आगे आने वाले समय में अगला 100 बेड हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। ये गरीब के लिए पैरेलली जितना लोगों का इलाज होगा अमीर का, उसी प्लेटफॉर्म पर वही डॉक्टर, वही फैसिलिटी, वही एयर कंडीशन के कमरे और रूम और सारी चीजों में व्यवस्था होगी। और ऐसे 100 लोग बिना किसी कॉस्ट को पे किए हुए वहां पर अपना ओलो रह सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली सक्षम है वो 200 रुपये देकर के गेस्ट हाउस बना हुआ है, गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। निश्चित रूप से जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने की व्यवस्था है उनके लिए एक डॉर्मेटरी टाइप की व्यवस्था होगी, जिसमें छात्रावास टाइप की व्यवस्था होगी, जिसमें लोग वहां रह पाएंगे। सामान्य सर्जरी के चार्जेस क्या क्या होंगे? सामान्य सर्जरी के चार्जेज हम लोग जो फिक्स करेंगे उसको आप लोगों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से वो हम लोग पेपर में देंगे, जिससे आप पढ़ करके उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आयुष्मान के अलावा आप लोगों ने पूछा, ESI, TPA जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, यह जान करके आपको प्रसन्नता हो सकती है कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब लोग हमारी मदद को आगे आ रहे हैं और हमको उनके साथ अफिलिएशन होने में, उनके साथ रिकॉग्निशन होने में हमको कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले कुछ 10-20 दिन या 1 महीने के अंदर हम चाहे ESI हो, TPA हो, इंश्योरेंस हो, आयुष्मान हो, सबसे हम संबंधित होंगे और सबका फायदा आम जन उठाएंगे। आम और खास सबको इसका फायदा मिल जाएगा। हम लोगों ने इसको 3 चरण में हॉस्पिटल के कार्यक्रम को रखा। पहले हमने हॉस्पिटल का निर्माण किया, निर्माण के साथ हमने इसका पहले परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, आराधना किया और 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम का मूर्ति का स्थापना हो रहा था उसी दिन इस हॉस्पिटल का पूजा पाठ करके हमने उसको श्री गणेश किया। फिर हमने इस पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को, इस पूरे, देखिए बनाना और चलाना दोनों बहुत बड़ी चीज है। हॉस्पिटल इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग है जिसमें हजारों टाइप की मशीनें लगी हुई हैं, उससे एनर्जी और गर्मी पैदा होता है। ये फायर फाइटिंग सिस्टम वर्ल्ड क्लास लगाए गए हैं, एयर कंडीशनिंग मशीन सबसे दुनिया की बेहतरीन मशीनें और सुरक्षित मशीन लगाई गई है। फिर भी हमने इसको 2-3 महीनों चलाया,
जिसको ट्रायल फेज कहते हैं, जहां आप आए हैं ये ट्रायल फेज पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट चरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो लोग हमें मौका देंगे, जिनके पास समय होगा, उनको बुला करके इसका तीसरे चरण में हम लोग उद्घाटन की तैयारी में लगे हुए हैं। अब हम लोग आज के बाद प्रेस को सूचना करके और उद्घाटन की तैयारी। अन्य निजी अस्पतालों से कि आपके यहाँ जो सस्ता दर में ट्रीटमेंट होगा या जांच होगा? हम लोग जो है यहाँ पर एक ऑप्टिमम प्राइस जिसको कहते हैं, जो कि आम और खास लोगों के पहुंच के अंदर हो। जैसे आपको रहने में थोड़ी सुविधा मिल जाए, पैसे ना लगे, तो अल्टीमेटली कॉस्ट घटेगा। आपको जाके खाने के लिए आपको ये चिकन मसाला और मुर्गा मसाला नहीं खाना है, लेकिन 35 रुपए में भरपूर भात दाल सब्जी उसको मिलेगा। तो ये झारखंड में देश में कहीं कोई ब्रांच नहीं है, हम लोगों का किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये अपना यूनिक ब्रांच है गणेश प्रसाद सिंह एंड सन्स के द्वारा बनाया हुआ, और इसी को केवल हम लोग संचालित करते हैं, बाकी किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। ये देखिए बड़े और एक्सेलेंट सेंटर जो भी है मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो करना होगा हम करेंगे। धनबाद के लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े रहे, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, हमको नहीं लगता है कि कोई भी अमानवीय व्यवहार हमने किसी के साथ किया है। वो जहां तक उसके लाश को रख करके, पेशेंट को 4 दिन वहां रख करके, और उसमें यहाँ वसूली केंद्र नहीं है। वसूली केंद्र हमने इस अपने संतान को किसी भी संस्था के लिए झोंक देना, बाहर से हटा, इंग्लैंड से और अमेरिका से पढ़ा करके आपके धनबाद में लाना, ये कोई आदमी बिना त्याग के नहीं हो सकता है। तो रीइन्फोर्स करूंगा, रिसेंटली अभी एक महिला है जिसका इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान मिशन में या दुर्गापुर में एक अस्पताल है, वहाँ से वो पेशेंट को रिजेक्ट किया गया कि आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आप ले जाइए और ये घर पे जान जाए आराम से, इस तरह की बातें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जितने सक्षम डॉक्टर हैं हम सब ने मिल के उस पेशेंट को बचाया है। वो आज के टाइम में बहुत अच्छा कर रही हैं और रिकवरी होके अब 2-3 दिन में घर जाएंगी। इस दौरान परिवार को खर्च हुआ और वो बोले कि अब हम पैसा नहीं दे सकते, तो डायरेक्टर सर शिवेंद्र जी, इन्होंने एक मुहिम चलाई कि इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया, तो मैंने मना किया कि डॉक्टर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट इन्होंने रिक्वेस्ट सबको डाला कि आप लोग कुछ योगदान करिए, हमें इस पेशेंट को बचाना है। मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सारे डॉक्टर्स मेरे, सब लोगों ने योगदान किया आर्थिक रूप में, और देख तो रहे ही हैं, फिजिकल प्रेजेंस है, डॉक्टर वाला तो है ही, और पैसे भी दिए ट्रस्ट को, और उससे अब इलाज चल रहा है उसका। सारे स्टाफ, और सारे हमारे जितने भी एसजेएस परिवार में जितने लोग हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से मदद कर दी, और हम लोग अभी भी उसका इलाज कर रहे हैं। परिवार पैसा नहीं उठा पा रहा है, लेकिन हम लोग इलाज कर रहे हैं, और हम लोग अब उसे ठीक करके भेजने वाले हैं 2 दिन। सीनियर कंसल्टेंट हमारे पास हैं जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, फुल टाइम यहाँ पे कार्यरत हैं, और सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, जो आप बोलते हैं 24 घंटे अवेलेबल हैं। रात को मैंने जैसे बताया, 2 बजे रात को भी अगर ब्रेन की ट्यूमर की हो रही है और उससे परेशानी हो रही है, हम सर्जरी करते हैं। पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, मेजर कोई भी सर्जरी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की बीमारी, हम लोग 24/7 रेडी हैं। मैं खुद उसको पर्सनली देखता हूँ कि ये चीज़ें, हम लोग अगर सर्जरी अभी ज़रूरत है वो मैं टाइम नहीं देखता, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ सर्जरी अभी होगी, अपडेट लेने के बाद मैं सोता हूँ। पेशेंट देखने की आदत है, और इक्विपमेंट के मामले में मैं बताऊं, हमारे पास डिजिटल पेट है, पेट स्कैन के लिए हमारे पास सिटी है, कार्डियक सिटी है, फास्ट है, इसलिए कार्डियक सिटी बोलते हैं हम लोग, 2 बीट में हम लोग पूरी हार्ट की स्कैनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कार्डिक कर सकते हैं तो बाकी सारे पार्ट करना बहुत आसान रहता है। हमारे पास MRI है 3.0T, UCH 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ फास्टेस्ट है, जो मैंने बताया अभी 7 मिनट के अंदर जो कर सकती है, आमतौर मशीन में 45 मिनट से कम नहीं लगेगा। उसी तरीके से हमारे पास जो एक्सरे है वो डिजिटली है एंड रोबोटिक है।
आप पेशेंट को बिठा दीजिए, वो ऑटोमेटिक आके और एक्सरे ले लेगा। अंदर में किसी को रहने की ज़रूरत नहीं, एक्सपोजर नहीं है, कम्प्लीटली रोबोटिक है। एंड मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश का वो पहला है, इससे जस्ट नीचे का कॉन्फ़िगरेशन का मशीन हैदराबाद एम्स में लगा हुआ है और उसके बाद देश में कहीं नहीं। और उसके बाद जो दूसरी मशीन आती है, जो छोटी वाली एक्सरे होती है, मोबाइल एक्सरे, वो भी कम्प्लीटली रोबोटिक है, वो भी हमारे देश में फर्स्ट है और दूसरी जगह कहीं लगी भी नहीं है। वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट है, जहाँ भी हम लोग एक बार चार्ज करिए 8 किलोमीटर तक चलती है, कहीं कोलाइड नहीं कर सकती, पेशेंट को धक्का नहीं मार सकती, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है। और सारा एक्सपोजर बच्चे का है तो वो ऑटोमेटिक, वो एक्सरे में बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोजर क्या जा रहा है, तो छोटा बच्चा है वो ऑटोमेटिक उसका कैमरा AI पहचान लेता है और उतना ही कम एक्सपोजर देता है, एक्सपोजर से नुकसान।